नमस्कार, मैं मधुरा नीता कमलाकर सतपति हाउस येलो। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी बताने जा रही हूँ और मेरे विषय का नाम है कोरोना ने ही याद दिलाया स्कूल का अपनापन। जब कोरोना मेरे जिंदगी में आया तो सब बंद हो गया, यहाँ तक कि हमारी पहली स्कूल भी। तो मैं बहुत खुश हुई, पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया और महीने भी बीतते गए, तब मुझे हमारे स्कूल की याद आने लगी। वो स्कूल की चार दीवारें, मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्रिय अध्यापिका। हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे थे, पर ना उसमें स्कूल की चार दीवारें थी, ना मैं और मेरे दोस्तों का संगम। नमस्ते दोस्तों, मैं संजय गुप्ता, आठवीं अ ग्रीन हाउस। आज मैं आपको कोरोना ने याद दिलाया स्कूल का अपनापन इस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या हमने कभी सोचा था हमें इस तरह एक वीडियो के जरिए एक दूसरे को देखना पड़ेगा? नहीं, यह सब कोरोना के वजह से। एक बहुत दिन था जब हम कहते थे हर रोज रविवार क्यों नहीं आता, रविवार कब आएगा, स्कूल से छुट्टी कब मिलेगी। इसी विषय के बारे में हम सब बच्चे हमेशा चर्चा करते रहते थे, स्कूल ना जाने के बहाने बनाते रहते थे। और एक आज का दिन है जब हम स्कूल जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर एक एक दिन बड़े ही मुश्किल से जा रहा है। सुप्रभात दोस्तों, मैं सारा फटानंद, मैं सातवीं कक्षा से हूँ और मैं ब्लू हाउस से हूँ। मेरे विषय का नाम है कोरोना ने ही याद दिलाया स्कूल का अपनापन। कोरोना, 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 आखिर ये कोरोना है क्या? ये तो हम सभी इन 7 महीनों में बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आखिर कोरोना है क्या। कोरोना की वजह से पूरा देश तहस नहस हो गया, पूरा देश बंद हो गया, देश की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, यहाँ तक कि कोरोना ने हम सभी को भी अपने अपने घरों में बंद कर दिया। मेरा नाम ट्यूलिप, मैं कक्षा 7वीं बस से। आज का मेरा विषय है कोरोना ने ही याद दिलाया स्कूल का अपनापन। तो मैं मेरे 2 शब्द व्यक्त करना चाहूंगी। हर विद्यार्थी घर बैठे भी पढ़ सकता है, विद्यार्थी लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी विद्यालय से शिक्षित होता है उसका मजा ही कुछ और। इस साल कोरोना महामारी के कारण कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस आदि बंद है। इनमें से एक हमारा प्रिय विद्यालय भी है। और मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगी, जैसे ही हमारा विद्यालय बंद हुआ मैं खुश थी, लेकिन जब ये काल बढ़ता और बढ़ता चला गया उसी तरह मेरे मन की स्थिति भी बदलती और बदलती चली गई। मुझे मेरे प्रिय विद्यालय की बहुत याद आने लगी। वो पुरानी यादें मेरे आंखों के सामने चित्र स्वरूप दिखाई दी और मुझे अपने विद्यालय की बहुत याद आने लगी। मैम का वो शाम पट्टक के सामने खड़े रह के मुझे पढ़ाना, हम सब दोस्त एक साथ बातें करना, डिब्बा बांटना, लड़ना झगड़ना, खेलने का वो मैदान और स्कूल के आंगन की वो हरी भरी हरियाली, इस सब का मजा कभी ऑनलाइन नहीं आ सकता दोस्तों। इस ऑनलाइन के चक्कर में कितने सारे बच्चों की आंख दुखती है, सर दुखता है और इस सब की वजह से कई सारे पालक भी परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगी है और नेटवर्क की समस्याओं के कारण ना ही हम ढंग से ये कर पाते हैं, ना ही हम ढंग से वो। मेरा मतलब है अगर बीच में नेटवर्क की समस्या आ जाए और हमारे संगीत के सर हमें संगीत सिखाना चाह रहे हो या फिर चित्र बनाने वाली मैम हमें चित्र, तो नेटवर्क की समस्या के कारण हम कुछ ढंग से समझ नहीं पाते। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद मेरी आंखों के सामने फिर से वही चित्र उभर आता है। मैम शाम पट्टे के सामने खड़े रह के हमें इतने प्यार से सब समझा रही है और हम सब ठीक से समझ पाते हैं। तो आप क्या चुनोगे, वो ऑनलाइन क्लासेस या फिर स्कूल की वो पुरानी यादें? मैं तो स्कूल की वो पुरानी यादें ही चुनूंगी। इसीलिए सच है कोरोना ने ही याद दिलाया है स्कूल का अपनापन और महत्व। इसीलिए धन्यवाद।